हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल होना या एक एवरेज स्टूडेंट होना छात्रों को हमेशा ही डिसअपॉइंटमेंट में धकेल देता है। कई बार बच्चे पढ़ाई में भले ही अच्छे ना हों, लेकिन उनका दिमाग इतना तेज़ होता है कि वो यूपीएससी परीक्षा भी पास कर जाएं। पढ़ाई में औसत बच्चों को हमेशा ही इग्नोर किया जाता है। स्कूल में टीचर्स भी उन पर खास ध्यान नहीं देते, पर कई स्कूलों में ऐसा भी होता है जब टीचर किसी औसत छात्र को एग्ज़ाम में बैठने से मना कर देते हैं। ऐसा एक छात्र के साथ हुआ, लेकिन आज वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करके आईएएस ऑफिसर बन चुका है। दोस्तों, ये कहानी है आईएएस ऑफिसर नितिन शाक्य की। जब वो 12वीं क्लास में थे तो स्कूल ने एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया। स्कूल में मिला ये सबक उनकी ज़िंदगी में आगे काम आया। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। नितिन बताते हैं कि 12वीं में स्कूल ने ये कहकर एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे फेल होने के कारण स्कूल का नाम खराब हो सकता है। मेरी माँ हेडमास्टर साहब से मिली और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को साबित करने का मौका दें। इसके बाद मुझे एडमिट कार्ड दिया गया और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे कई सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स थे। इसके बाद जिन्होंने एडमिट कार्ड देने से मना किया था उन्होंने ही मेरा स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने देश के सबसे बड़े मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। नितिन बताते हैं कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब हमारे पास कई गरीब लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे। हम लोग इनका इलाज तो करते थे, लेकिन उनकी गरीबी दूर करने और उन्हें रोज़गार या शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहीं से मेरी सिविल सर्विस की जर्नी शुरू हुई। यहाँ से नितिन ने सिविल सर्विस में जाने की ठान ली। नितिन ने सोचा क्यों ना अफसर बनने की सोची जाए, लेकिन ये एक मुश्किल सफ़र था। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई और नौकरी करते हुए ही यूपीएससी की तैयारी की। नितिन ने बताया कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में एक तरह से रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया। नितिन पहली बार इंटरव्यू तक पहुँचे। इस अटैम्प्ट में वह 10 मार्क्स से फाइनल लिस्ट में जगह बनाने से चूक गए। नितिन ने बताया कि दूसरे अटैम्प्ट में वह मेंस में असफल हो गए और तीसरी बार में तो उन्हें प्रीलिम्स में भी कामयाबी नहीं मिली। और फिर मेरे दिमाग में आया कि अब अटैम्प्ट नहीं देने हैं। हालांकि मेरे घर वालों ने मुझे समझाया और मैंने जी जान लगा दी और आखिर में फाइनल सिलेक्शन हुआ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 बैच के अधिकारी नितिन को 4 बार कोशिश के बाद सफलता मिली। नितिन ने हार नहीं मानी और जो स्कूल उन्हें फेल होने पर नाम खराब होने से डर रहा था उसी ने उन्हें अफसर बनने पर जोर शोर से अपना नाम रोशन होते देखा। नितिन ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स को टिप्स देते हुए कहा कि जिंदगी में असफलता आएंगी, आपको उन असफलताओं से घबराना नहीं है बल्कि हमेशा मोटिवेटेड रहना है। आपका लक्ष्य आपको क्लियर होना चाहिए। नितिन कहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल तो बड़े ध्यान से बनाते हैं पर उसे अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, पर मैंने ये गलती नहीं की और आप भी ये गलती ना करें। उन्होंने सख्ती के साथ अपने द्वारा बनाए गए टाइम टेबल को फॉलो किया और सफलता प्राप्त की। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।